हमने बात नहीं किया, वो दाढ़ी बजवा के चले गए। इसमें हमारे को 25,000 देने के लिए राजी थे। भतीजे का दो बच्चे मर गए। नहीं आई थी, सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी कोई की। वी नेशन की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के गोकुलपुरी थाने के गोकलपुर गांव में। ये वही क्षेत्र है जहां रात को 1 बजे के करीब आग लग गई थी। बहुत ही गंभीर हादसा था ये, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इन 7 लोगों में 1 13 साल का बच्चा शामिल था और 3 महिलाएं भी शामिल थी। अभी हम उसी की ओर चल रहे हैं, जिस आपको वो इलाका एकदम दिखाएंगे जिस एरिया में आग लगी हुई थी। तो आ जाइए, यहाँ की पतली पतली गलियां हैं, आपको बता दें स्लम एरिया है थोड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर हालत हो गई है। कैमरा घुमाकर दिखाइएगा, पूरा ये इलाका जल चुका है। आपको ले चलते हैं उसी एरिया की तरफ जहाँ पर आग लग गई थी। आप देखिए क्या यहाँ पे दुर्गति फैल चुकी है, यहाँ पर लोग हैं, किस तरह का एरिया ये हो चुका है। पूरा जलकर सब राख हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो झुग्गियाँ हुआ करती थी उनकी क्या हालत हो चुकी है। यहाँ पर सब जलकर राख हो चुका है। आप कैमरा घुमाकर अच्छे से दिखाना। बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। बताई बहन, बताओ आप यहीं रहती हैं? यहीं रहते हैं दीदी, देखो सब जली का। अच्छा, आपका आपका था ये? हाँ, जान और जल गए सब हमारे, पूरा बर्तन बड़वा जल गए बहनी। पैसा चांदी सोना सब चला गया, बिटिया के बारात करोग रुपया चला गया। अच्छा, तो आपको मतलब क्या लगता है कैसे आग लगी, कैसे थी? आप सोचना मिल जाती तो हम पहले ही सोचना न कर लेते। ऐसा सुनने में आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी थी। नहीं नहीं, बस 12:30 बजे के टाइम आग लगी है। अच्छा, और फायर ब्रिगेड आ गई थी, कितने बजे तक आ गई थी? ये नहीं आई थी, सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी कोई की। अच्छा, आग लग गई थी, सूचना दे दी गई थी पर सुनवाई नहीं की जा रही थी। हाँ, नहीं हो रही थी। 2 बजे आए पुलिस वाले और 2:45 बजे आई है गाड़ी पानी वाली, जब हमारा पूरा समाप्त हो गया जल के। अच्छा, लिखा गया है कि 1 बजे पुलिस थाने में जानकारी दी गई थी, उसके तुरंत बाद आ गई थी, तुरंत फायर ब्रिगेड आ गई थी सामान को लेकर और तुरंत काम शुरू कर दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ था, सब झूठ बोला जा रहा है। हमारे आदमी तड़प तड़प के मर गए, 5 मर गए, 2 बच्चे मर गए जल के। अभी पोस्टमार्टम मट्टी लेके अभी शमशान घाट में फूक के आए, उसके कुछ रही नहीं गया था तो फूक के क्या राख ऐसे डालिया है, कुछ नहीं रह गया बहन। अच्छा, कि सब कुछ जब जल के राख हो गया, आप जैसे कि सुन सकते हैं इस महिला का दर्द, मुझे भी सुनकर बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है यहाँ पर। मतलब जब पूरा पूरा सब जलकर राख हो गया था, उसके बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई है, जब जलकर राख हो गया उसके बाद बस यहाँ पर मृतकों के शरीरों को, शवों को निकालने का बस काम किया गया है। आग को बुझाते के टाइम यहाँ कोई नहीं था। आप देखिए, ये देखिए पूरे यहाँ पे जानवर थे, हर चीज़ जल के राख हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर कोई था जब आग लगी थी? आसपास कोई रहता था? आसपास कोई रहता है आप में से यहाँ? कब पता चला कि आग लग गई है? आप कहाँ थे उस टाइम? जे यहीं थे, हम घर पे ही सो रहे थे अपने। अच्छा, कैसे कैसे पता चला, फिर क्या हुआ उसके बाद? अपने आप आग आने लगी, अपने आप इधर से आग आने लगी, इधर लोग पड़े थे घर पे, भाई वो सब निकालने लगे थे बच्चों, यहाँ 5 जने भाई वो रह गए। वो यही झुग्गी है जहाँ एक ही परिवार के साथ? अच्छा, 4 नंबर वाले पे 5 जने, और एक लड़की यहाँ मिली थी, एक लड़का वहाँ मिला था, 13 साल का भी एक लड़का था। हाँ, 7 जने इस प्लॉट पे वही वो हुए। अच्छा अच्छा उसके बाद जब पता चला कि आग लग गई है, आपको 12:30 के करीब पता चल गया था आग लग गई है, तो उसके बाद पुलिस थानों में कब तक जानकारी दी गई थी? 1:30-1-2 मिनट के बाद ही फोन, तुरंत 1-2 मिनट के बाद जानकारी दी गई। 2 बजे आए हैं पुलिस वाले, बताओ कार्यवाही 2 बजे तक हुई है। अच्छा, जब 12:30 बजे आग पनपी थी तब कुछ लोग जिंदा थे? सब भाई वो 1-2 झुग्गी जली थी कब तो। अच्छा, 12:30 बजे जब आग लगी थी तो मात्र 1-2 झुग्गी जली हुई थी, अगर सही टाइम रहते कार्रवाई हो जाती तो शायद हम कुछ लोगों को बचा सकते थे। हाँ जी, टाइम से नहीं आएगा। 2 बजे आइए बताओ, 2 बजे आया जब पूरा सब जलकर राख, पूरा राख हो गया। कब आया ये 3 मुर्गे राख हो गए 5,000 वाले, ये कौन भुगताना पड़ेगा?
दिखाया हमने अभी उसको, एक बार और दिखाओ तो। अच्छा ये भी डॉगी आपका है? इसे मैंने फेंक दिया था इधर से तो भग गया, इसे मैंने फेंक दिया था ठस्से में। आप लोग किधर थे जब आग लगी थी? आप किधर थे? हम बीच में घुसे थे। अच्छा अभी हाँ, हम लोग बीच में घुसे थे, वो सुरंग दिख रहा सुरंग, उसमें आग लगे तो उसके अंदर घुस के बांध करके और तीन चार आदमी को बचा दिया, उसके चक्कर में मेरा हाथ जल गया, वो डॉक्टर ने इलाज भी नहीं कराया, अब खर्चा पानी पैसा नहीं मेरे पास। बताइए अभी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आके गए हैं और उन्होंने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। नहीं दिया ये बोल ले। अरे केजरीवाल जी जब आए थे आप लोग 25-25 हजार रूपए किसकी झुग्गी चली है, 25 हजार रूपए मिलेंगे। और जिसमें वयस्क जिस घर में 18 साल से ऊपर उम्र की मौत हुई है वहाँ पे 10 लाख रुपए बोला है। 10 लाख रुपए बोल के ये किसकी झुग्गी चली है, 25 लाख रूपए मिलेंगे। 25 हजार? हाँ 25 हजार। केजरीवाल जी आए थे आपने बात की उनसे? हमने बात नहीं किया, वो ताड़ी बजवा के चले गए 25 हजार में, जो हमारे 4 लाख चल गए इसमें, हमारे को 25 हजार देने के लिए राजी थे, तो हम क्यों ताड़ी बजवा हंसवा के तुम जा रहे हो।